समस्तगढ़ जैन मंदिर भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का पूरा नाम श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र समस्तगढ़ भोपाल है। और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और यहाँ की हिस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज मैं यहाँ पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। कार पार्क करने के बाद या एंट्री लेते समय यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर था और मंदिर में जाने की बहुत भव्य एंट्री थी। यहाँ निर्माण कार्य भी चालू था और अंदर पहुंचते ही स्पेस भी बहुत ज्यादा था और साथ ही साथ बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैंने इतना अच्छा जैन मंदिर बहुत कम देखा है। यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर भगवान की मूर्ति थी, तो हम सब ने शांतिनाथ भगवान की पूजा की और दूसरे मंदिर चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे दो मंदिर है और तीसरे मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। पहला मंदिर है शांतिनाथ जी का और दूसरा मंदिर है पारसनाथ भगवान का। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। करीब 1200 वर्ष पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में राजा पाराशाह जी, जो कि दिगंबर गोत्र के थे, वो व्यापार के सिलसिले में इस क्षेत्र में आए थे। तो उनके पास उस वक्त लाख और लोहा का सामान था जो कि पहाड़ों के ऊपर था। पहाड़े इस जगह के पास पारस तलाही में गए और तभी लाख और लोहा वहां गिर गए और पारस मढ़ी के संपर्क में आते ही लाख चांदी और लोहा सोने के रूप में परिवर्तित हो गए। उसके बाद राजा पाराशाह ने इस क्षेत्र में 52 जैन मंदिर का निर्माण किया। यार जब मुगल भारत में अपना आक्रमण शुरू किए तो उन्होंने इस मंदिर को भी अपना निशाना बना लिया और सब तहस तहस कर दिया। और उसके बाद 1932 में भोपाल के श्री पन्नालाल जी ने फिर से यहाँ का निर्माण करवाया। तो ये थी यहाँ की हिस्ट्री। यह जो सामने अभी आप मंदिर देख रहे हैं, इसका अभी निर्माण कार्य चालू है और इसकी मूर्ति भी सामने लाके रख दी गई है भगवान की। तो जैसे ही निर्माण खत्म होगा वैसी स्थापना होगी। और अभी यहाँ मंदिर में एंट्री पीछे से होती है, जो कि गलत है। तो आप वो जो सामने स्तंभ देख रहे हैं, स्तंभ के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है और धीरे से एंट्री सामने से होगी ताकि पीठ साइड से लोग अंदर ना जाए। और यहाँ खाने और रुकने की भी व्यवस्था है। अब हम जा रहे हैं पद्मावती माता के मंदिर, जो कि इस मंदिर से नीचे है। तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, एक रास्ता कटता है लेफ्ट साइड, वहां पे पद्मावती माता जी है और उनकी बहुत प्राचीन स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनकी जो मूर्ति है वो किसी को किसी के सपने में बार बार आके दिख रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, तब जाके उनकी वो मूर्ति निकाली गई और उनका मंदिर स्थापित किया गया। पद्मावती माता जी के मंदिर का रास्ता बहुत ही ज्यादा कच्चा था, पर ये मेन मंदिर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे दो मंदिर थे, एक तो माता के और दूसरा पाराशनाथ भगवान के। तो पहले हम पाराशनाथ भगवान के मंदिर में जाके दर्शन किए और उनकी मूर्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर हम आ गए पद्मावती माता जी के मंदिर और यहाँ पे एक भैया बैठे थे, तो उनसे भी मैंने बात किया इस मंदिर को लेकर। तो उन्होंने भी मुझे वही बताया कि इसी गांव के इंसान को पद्मावती माता जी बहुत समय से सपने में आ रही थी और उन्हें कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो। और वो परेशान होके जब वहाँ पे खुदाई करे तो सच्ची में ये मूर्ति प्रकट हुई, फिर जाके इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये मंदिर और ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। तो अगर आप भोपाल के आसपास हैं तो आप समझगर और पद्मावती माता के मंदिर जरूर आइएगा दर्शन करने।